बिग बॉस सीजन के कई कंटेस्टेंट जो हैं निकी तांबोली के सपोर्ट में सामने आए हैं और एक के बाद एक अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। और आखिरकार कौन से हैं वो सितारे जो कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं और किया है निकी तांबोली को सपोर्ट, चलिए बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। मैं आप सभी को बता दूं कि राखी सावंत और निकी तांबोली के बीच में हुई उस बात को लेकर, जिसे मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, उन्हीं चीजों को लेकर जो है अब सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, साथ में बिग बॉस के वो एक्स कंटेस्टेंट जो इस सीजन में भी हिस्सा रह चुके हैं और पुराने भी हैं। यहाँ पे शुरुआत करूंगी विकास गुप्ता से। विकास गुप्ता ने भी इस बात को कहा था सोशल मीडिया पर कि मैंने कहा था जब मैं घर से निकल रहा था कि आप लोग एक दूसरे के लिए स्टैंड लीजिए, एक दूसरा अगर कोई इंसान सही है और कोई गलत है तो इस बात को बोलिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसके बाद में काम्या पंजाबी कहती है कि राखी सावंत इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी एंटरटेनिंग हो और आप कितनी एंटरटेनिंग दिख रहे हो, लेकिन जो चीज आपने बोली है, यानी कि उन्होंने कोई वाली लाइन लिखी है, उस लाइन को लिखते हुए उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, जो आपने लाइन लिखी है ये एक एंटरटेनिंग चीज नहीं है और ये एक गलत बात है। और यहाँ पर इस चीज को लेके घर वालों को भी अपनी आवाज उठानी चाहिए थी। तीसरे आ जाते हैं हमारे जान कुमार सानू, जो कि खुद इसी सीजन का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने भी लिखा है कि स्लट शेमिंग इट्स नॉट गुड। यहाँ पर उन्होंने लिखा कि जिस तरीके की बातें उन्होंने की है राखी सावंत ने निकी तांबोली के लिए, और यहाँ पर घर वालों में से किसी ने कुछ भी नहीं बोला है, ये सबसे बड़ी बात है। वाह, नेक्स्ट आ जाते हैं शार्दुल पंडित, जो कि 2 से 3 हफ्तों के लिए बिग बॉस के घर में नजर आए हैं लेकिन फुल ऑन अपडेटेड है यहाँ पर। तो शार्दुल का यहाँ पर कहना है कि जिस तरीके से राखी सावंत ने बोला है निकी तांबोली को, ये बहुत गलत बात है। इनफैक्ट आई एम थैंकफुल टू रूबीना मनु पंजाबी जो कि इस बीच सामने आए और राखी का मुंह बंद कराया या कुछ उन्होंने थोड़ा बहुत स्टैंड लिया, लेकिन बाकी सब जो लोग थे वो चुप बैठे हुए थे। सच्चाई एक है और मे बी राखी के बोलने का तरीका फनी तरीका हो, लेकिन कई बार बातें जो हो जाती हैं वो गलत भी होती हैं। ऐसे में आप लोगों की राय क्या है, आप लोगों को क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।